नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री जोयदेव शास्त्री जी के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे शादीशुदा जिंदगी की हर समस्या का समाधान नमक के अचूक टोटके। इन टोटकों को अपनाने से आपकी सभी समस्या का हल निकल सकता है। नमक का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर खाने में नमक न डाला जाए तो खाना बेस्वाद लगने लग जाता है। साथ ही नमक के सेवन से सेहत संबंधित सभी समस्या भी दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साधारण सा दिखने वाला यह नमक सेहत के साथ ही आपकी किस्मत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। आज हम आपको नमक के कुछ ऐसे टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी हर समस्या को खत्म कर सकते हैं। इन टोटकों को अपनाने से आपकी सभी समस्या का समाधान निकल है और आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। आइए जानते हैं इस खास टोटके के बारे में। घर में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि अगर घर में सुख शांति ना हो तो घर बेकार सा लगने लग जाता है। घर में कोई भी किसी के साथ खुश नहीं रह पाता है। अगर यही घर में शांति हो तो सुख बना रहेगा। शांति से हम रहेंगे और अच्छे से रहेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, इससे हम सब खुश भी रहेंगे। लेकिन यही अगर हमारे घर में सुख शांति ना हो तो हम सबका जीवन खराब सा हो जाता है और हमारा अपने ही घर में मन सा नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि कहीं हम दूर चले जाएं, क्योंकि जिस घर में सुख शांति ना हो वो घर घर नहीं होता है, और जिस घर में सुख शांति हो वह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। आइए जानते हैं इस खास टोटके के बारे में। परिवार में अगर किसी को नज़र जल्दी लगती है तो उसके लिए नमक के टुकड़ों को हाथ में ले लें और उस व्यक्ति पर 7 बार वार कर पानी में बहा दें। इससे सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में खुश नहीं रहते हैं। आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर क्लेश रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए कांच की कटोरी में नमक डालकर बेडरूम में रख दें। इससे रिश्तों में आने वाली नकारात्मक दूर हो जाती है। कटोरी में नमक को हर महीने बदलते रहें। अगर आप भी पैसों की किल्लत से परेशान रहते हैं तो कांच के गिलास में सेंधा नमक व लौंग डालकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। यह वहां मौजूद नेगेटिव एनर्जी को खींच लेगा और आपके पास पैसे आने लगेंगे। सुखी रहने की कामना रखते हैं तो किसी शत्रु या पापी पुरुष के यहाँ नमक कदापि न खाएं। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से न डालें। ऐसे में काला नमक या काली मिर्च का प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि चंद्र और मंगल का दुष्प्रभाव नहीं होगा। अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार रहता है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको उसके सिरहाने कांच के बर्तन में जरूर नमक रखना चाहिए, ताकि वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाए और स्वस्थ रहे और खुश रहे अपने जीवन में, और उसे बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो आप भी जो मैंने नमक के अचूक उपाय बताए हैं उन्हें कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। और फिर भी अगर आपको
ये उपाय करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है या आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज दोनों कर सकते हैं। श्री जॉयदेव शास्त्री जी को आप 24 घंटे में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। श्री जॉयदेव शास्त्री जी के द्वारा किए गए कार्य की लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं। श्री जॉयदेव शास्त्री जी बहुत लंबे समय से ज्योतिषी के कार्य करते आ रहे हैं और इनके द्वारा किए गए हर कार्य को सफलता प्राप्त हुई है। तो अगर आप भी समस्या से झूल रहे हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर श्री जॉयदेव शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम का समाधान शास्त्री जी आपको जरूर देंगे। और आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप जरूर इनसे संपर्क कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। धन्यवाद दोस्तों।